और फ्रेंड्स इस साल हमारे 26 जनवरी यानी हमारे 69th रिपब्लिक डे को जो है हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स जो कि मेन जो है हमारे इंडियन वो है एयरटेल, जियो और हमारे वोडाफोन, इन तीनों ने जो है कुछ अपने प्राइस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे कुछ नए प्लान्स में चेंजेस किए हैं, जिससे कि हमारे जो प्राइसेज हैं उसमें थोड़ा कट ऑफ हुई है और साथ ही साथ वैलिडिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो है कुछ यूजर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ 200 रुपये के प्लान 300, 400, 500, 600 के अलग अलग पार्ट्स सेक्शन में डिवाइड किया, साथ ही साथ बताऊंगा कि इन प्राइस पॉइंट में आपको कौन कौन से प्लान देखने को मिलते हैं, किस ऑपरेटर का आपको प्लान बेटर रहेगा और साथ ही साथ आशा करता हूँ इस वीडियो को एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा फोन कौन से ऑपरेटर का कौन सा प्लान को जो है यूज़ करने वाले हैं। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 200 रुपए के अंदर जो आपको प्लान देखने को मिलते हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन के। यहाँ पर एयरटेल का 149 रुपीज का जो पैक है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको मिलती है 1.5 जीबी पर डे, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस पर डे, नो रोमिंग चार्जेस और साथ ही साथ यहाँ पर जियो के सारे एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन 28 दिनों तक। वहीं एयरटेल जो है आपको 149 में प्रोवाइड कराता है 1 जीबी पर डे का डेटा, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस पर डे, नो रोमिंग चार्जेस 28 दिनों तक। यहाँ पर जो है आपको कोई एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली यार एयरटेल की कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, जैसे जियो मैक्स, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो म्यूजिक वगैरह नहीं है। खैर यहाँ पर जो वोडाफोन है वो भी आपको सेम प्राइस पॉइंट में 1 GB पर डे अनलिमिटेड डेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती है आपको 28 दिनों तक वही सेम एयरटेल जैसा। वहीं जो है आपको जियो का एक और प्लान यहाँ पर देखने को मिलता है वो है 199 रुपीज़ का, इसमें आपको 2 GB पर डे मिलेगी और जो कि 28 दिनों तक होंगी, साथ ही एयरटेल जो है वो आपको इसी प्राइस पॉइंट में प्रोवाइड कराएगा 1.4 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह से बाकी सब तो सेम है। यहाँ पर मैं सिर्फ डेटा के बारे में बता रहा हूँ, बाकी तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह। तो वोडाफोन जो है वो आपको यहाँ पर 198 रुपीज़ में 1 GB पर डे 28 दिनों तक देने वाला है, तो यहाँ पर 1 रुपया और कम कर दिए हैं जियो से, लेकिन यहाँ पर जो डेटा वो प्रोवाइड करा रहा है वो है 1.4 GB, हालांकि यहाँ पर जियो में आपको देखने को मिलता है 2 GB पर डे। तो मैं यार डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा 199 का प्लान, अगर 200 रुपये के अंदर देख रहे हैं तो 199 का प्लान जियो का ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2 GB पर डे आपको मिलती है 28 दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स अगले बढ़ते हैं हम अपने 300 रुपये के अंदर आपको जो प्लान देखने को मिलता था, यहाँ पर जियो का जो प्लान है वो आपको देखने को मिलता है एग्जैक्ट 300 रुपये का, सिर्फ जियो का ही प्लान है यहाँ पर, एयरटेल और वोडाफोन का 300 रुपये के अंदर कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ पर 300 रुपये में आपको मिलने वाली 3 GB पर डे 28 दिनों के लिए, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और जियो के एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन 28 दिनों के लिए। तो यहाँ पर और कोई प्राइस पॉइंट में आपको कोई और ऑपरेटर कुछ नहीं देता, तो यहाँ पर अगर आपके पास 300 रुपये हैं तो यार मेरे ख्याल से जियो का ये प्लान भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं 400 रुपये के अंदर आपको ये तीन ऑपरेटर्स कौन कौन से प्लान आपको देते, तो यहाँ पर जो है जियो का जो प्लान है वो आपको देखना मिलता है 348 में, जिसमें कि आपको 2 GB पर डे मिलेगा 70 डेज के लिए। यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ गई है और यहाँ पर जो डेटा जो है आपको पूरे दिन में मिलता है वो भी बढ़ चुका है, यहाँ पर 2 GB पर डे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही जियो का एक और प्लान है वो है 399 रुपीज़ में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 1.5 GB और वैलिडिटी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं डेटा के साथ, तो यहाँ पर आपको 1.5 GB देखने को मिलती है 84 डेज के लिए। और साथ ही साथ यही सेम प्राइस पॉइंट यानी 399 रुपीज़ में एयरटेल और वोडाफोन आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 GB पर डे सिर्फ, जो कि है 70 डेज के लिए, यहाँ वैलिडिटी भी कम है और डेटा भी कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें 500 रुपये के रिचार्ज पे आपको क्या देखने को मिले तीनों ऑपरेटर्स में, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट में, अभी यहाँ पर जो है आपको 448, 449 और 498 यानी तीन प्लान्स में जियो के आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको 448 में आपको देखने को मिलेगा 2 GB पर डे 28 दिनों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ 449 का जो प्लान है वो आपको मिलेगा 1.5 GB पर डे 91 डेज के लिए, और 498 रुपीज़ का जो प्लान है उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 GB पर डे तक का डेटा, जो कि है वैलिडिटी इसकी होगी 91 डेज की। तो डेफिनेटली यार अगर आप 2 GB भी चाहते हैं साथ में और वैलिडिटी भी अच्छी खासी चाहते हैं, तो डेफिनेटली यार 498 रुपीज़ का जो प्लान है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ 500 रुपये के अंदर आपको एयरटेल और वोडाफोन क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एयरटेल का आपको 448 का रिचार्ज देखने को मिलता है, जिसमें 1.4 GB मिलती है 82 डेज के लिए, तो ठीक ठाक प्लान है, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से जियो जो है वो तो धमाका कर ही रहा है। साथ ही वोडाफोन की बात करें तो वो भी आपको 1.4 GB पर डे देता है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट है वो है 458 रुपीज़ का और जो वैलिडिटी है वो है 84 डेज की। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं 600 रुपये के अंदर आपको तीनों ऑपरेटर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली यार जियो यहाँ भी आ गए, क्योंकि यहाँ पर 509 रुपये में आपको 4 GB पर डे का डेटा देखने को मिलता है 28 दिनों के लिए। यहाँ पर वैलिडिटी थोड़ी कम है, लेकिन आपको जो रोज़ जो है बहुत हैवी डेटा यूसेज करना पड़ता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये प्लान आपके लिए बढ़िया है। और साथ ही साथ सेम प्राइस पॉइंट में एयरटेल और वोडाफोन आपको सेम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 1.4 GB पर डे और वैलिडिटी यहाँ थोड़ी बढ़ी हुई है, जो है 90 दिन होगी,
तो यहाँ मतलब इस प्राइस पॉइंट में ये जो प्लान है वो कुछ जमा नहीं है यहाँ पर थोड़ा बहुत, लेकिन आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पर एयरटेल का 600 रुपये के अंदर एक और प्लान है जो कि है 549 रुपीज़ में, जिसमें कि आपको 3 GB पर डे का डेटा मिलेगा 28 दिनों के लिए। तो यार ये भी थोड़ा महंगा ही है, क्योंकि यहाँ पर जियो का अगर आप देखेंगे सेम वैलिडिटी है, डेटा भी आपको पर डे के हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है, और प्राइस जो है वो कम है जो कि है 509 रुपये, लेकिन यहाँ पर एयरटेल आपको 3 GB पर डे 28 दिनों तक देगा, वो देगा आपको 548 रुपीज में। तो फ्रेंड ये थे हमारे जियो वोडाफोन और एयरटेल के फ्रेश की लॉन्च प्लान, जिनमें कि आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। मॉडिफिकेशन जो वो हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस को कम किया गया है और वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। यहाँ पर मतलब एयरटेल और वोडाफोन जो काम कर रहे हैं ना, वो अगर उन्होंने 2016 में कर दिया होता तो आज उनकी हालत कुछ और ही होती, लेकिन यहाँ जियो जो है वो फिलहाल 2016 से मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। तो यार ये थे हमारे पास बढ़िया प्लान्स, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसे कौन सा पिक करने वाले हैं इनमें से। और डेफिनेटली यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को यार जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिसे दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, और साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन से दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली यार मिस भी मत किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहूँ इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस। तो मेरा नाम है भानु प्रताप, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। टेल और वोडाफोन जो है वो भी 509 में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते थे यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर 500-600 रुपये का रेट है, और साथ ही साथ यहाँ पर